नमस्कार इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पेश करेगी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। करीब 25,000 करोड़ का यह अनुपूरक बजट हो सकता है। कुंभ के लिए बजट से राशि जारी करेगी योगी सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। करीब 25,000 करोड़ का यह अनुपूरक बजट हो सकता है। कुंभ के लिए बजट से राशि जारी करेगी योगी सरकार। इससे पहले फरवरी महीने में बजट उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यूपी में 7,00,000 करोड़ का बजट जारी हुआ था। वहीं अब जिस तरह से 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है, कुंभ को देखते हुए और तमाम परियोजनाओं को गति देने के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। हमारे जो विकास काम चल रहे हैं, हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, उसके सामने किसी प्रकार का कोई बजट का संकट न हो, पैसे का अभाव न हो और योजनाएं अपने तरीके से, स्वाभाविक तरीके से गतिमान हो सकें, आगे बढ़ सकें, इसलिए अनुपूरक लेकर हम आ रहे हैं। और हम ही थोड़ो अनुपूरक लेकर आ रहे हैं, उनकी सरकार रही होगी तो वो भी अनुपूरक लेकर आए होंगे। अब इस पर भी सवाल प्रतिपक्ष खड़ा कर रहा है, समझ के परे है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, कोई उत्तर प्रदेश के विकास में किसी भी प्रकार का सकारात्मक सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। पहले दिन से विकास के खिलाफ हमेशा सदन को डिस्टर्ब करने का इन लोगों ने प्रयास किया है, जनता देख रही है। आज हम अनुपूरक लेकर आए हैं, कल देखिए ऐतिहासिक कानून बनाने की बात उत्तर प्रदेश की सरकार ने कही। लफ्ज जिहाद के मामले में भी और पेपर लीक के में भी मामले में हमने आजीवन कारावास का प्राविधान हमने किया है, प्रदेश की सरकार ने किया है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार का जो ये फैसला है, इसका अनुसरण पूरे देश के अंदर होने जा रहा है। कानून बदलने के बाद में जिस तरीके से नया प्राविधान लागू किया जाए, क्या लग रहा है उसके बाद इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगेगी? बिल्कुल रोक लगेगी। और इसके बाद भी अगर इस तरह का अपराध कोई करेगा तो जीवन भर उसको जेल में अपना जीवन बिताना पड़ेगा, जीवन अपना काटना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए तो ऐसे मंत्री अनिल राजभर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार विकास कार्यों को तेजी के साथ में किया जा सके, कहीं पर बजट की कमी ना हो, उसको लेकर अनुपूरक बजट ला रही है। और उसके अलावा जो धर्म परिवर्तन को लेकर मामला हो या फिर जिस तरीके से पेपर लीक के मामले हैं, उसमें भी जो सजा का प्रावधान किया जा रहा है उसके जरिए इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगेगी। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो हमारे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक ने बातचीत की राजेश्वर सिंह से। क्या कुछ उन्होंने कहा, विधायक राजेश्वर सिंह का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब नया विधेयक लेकर आ रही है, जिसके जरिए अब उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान उसमें किया जा रहा है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए विधायक राजेश्वर सिंह जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जो ये नया विधेयक लाया जा रहा है लव जिहाद जैसे मामलों को रोकने के लिए? देखिए, बहुत आवश्यक है, कड़े कानून की बहुत आवश्यकता थी, बहुत गंभीर विषय है। एक बेटी की मनोदशा सोचिए जिसको एक जाल में फंसा लिया जाता है, बाद में उसे पता चलता है कि उससे पहचान छुपा के उससे दोस्ती की गई और शादी के लिए उसको विवश किया गया, तो ये बहुत गंभीर समस्या है। इससे कानून व्यवस्था की भी स्थिति हमेशा उत्पन्न रहती है, माता पिता के लिए बहुत खराब है, समाज के लिए बहुत खराब है, इसलिए कड़े कानून की आवश्यकता थी, जो कड़ा कानून लाया जा रहा है। पेपर लीक की भी जिस तरीके से घटनाएं हुई और विपक्ष ने भी इसको तमाम तरीके से मुद्दा बनाया, उसको लेकर भी अब विधेयक लाया जा रहा है, उसमें भी कड़े प्रावधान, वो भी बहुत आवश्यक है। युवाओं के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो लोग पेपर लीक कराते हैं, जिन्होंने इसको व्यवसाय बना लिया पेपर लीक कराने को, योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी गिरफ्तारियां कराई हैं, संपत्तियां जब्त कराई हैं गैंगस्टर एक्ट में, लेकिन एक कड़े कानून की आवश्यकता थी। मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बधाई देता हूं कि एक कड़ा कानून लेके आए।
अनपूरक बजट सरकार आज लेकर आ रही है। विपक्ष का आरोप है कि जो पूर्णकालीन बजट जारी किया गया था वही अभी तक खर्च नहीं हुआ है। देखिए, प्रक्रिया है, लगातार उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा, अभूतपूर्व विकास हो रहा है और आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एक राज्य है। इसलिए यो चाहे एक्सप्रेसवेज हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे ओवर ब्रिजेस हो, सबसे ज्यादा स्पीड से उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। अनुपूरक बजट की विकास के लिए आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ऐसे विधायक राजेश्वर सिंह का साफ तौर पर कहना है कि धर्म परिवर्तन जैसी जो घटनाएं होती हैं, जो गलत तरीके से कराए जा रहे हैं या फिर पेपर लीक का मामला हो, इन सभी को लेकर सरकार जो है वो कड़े प्रावधान कर रही है ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करेंगे। करीब 25,000 करोड़ का यह अनुपूरक बजट हो सकता है। इससे पहले फरवरी के महीने में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7,00,000 करोड़ से ज्यादा का पूर्ण बजट पेश किया गया था। हालांकि जिस तरह से 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है, कुंभ के लिए बजट से राशि जो है जारी की जाएगी, तो यह अनुपूरक बजट के जरिए यूपी में जो भी विकास कार्य हैं, जो भी परियोजनाएं हैं और कुंभ को लेकर ज्यादा तेजी से काम हो सके, उसके लिए यह अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन, आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करेंगे। करीब 25,000 करोड़ का यह अनुपूरक बजट होगा। कुंभ के लिए इस बजट के जरिए धनराशि जो है जारी की जाएगी। तो आज यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। 3.0% की कमी दिखाई गई है। लेकिन अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखें कि 17 से लेकर के 24 के बीच में महिला और बालक, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए जो मामले हैं, उनमें से प्रदेश सरकार ने अपने प्रोसिक्यूशन विंग को मजबूत करने का परिणाम सामने आया है। 24,402 प्रकरण में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है। 17 से लेकर 24 के बीच में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 9,875 अभियोगों में सजा दिलाई गई है। 2022 से 24 के मध्य में महिलाओं के विरुद्ध पॉक्सो अपराध में न्यायालय के द्वारा 16,718 अभियुक्तों को सजा दी गई है, जिनमें 21 को मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम के कारावास की सजा भी दी गई है। प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखें कि इस दिशा में जो अन्य प्रयास हुए हैं, खासतौर पर भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार के मामलों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में भारत सरकार ने जो अपना पोर्टल तैयार किया है, इसको हम लोगों ने 2018 में ही, पिछली सरकारें उसके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं थी, लेकिन 17 के बाद से हम लोगों ने इस पर काम प्रारंभ किया और अप्रैल 18 में हम लोगों ने इस पोर्टल को एक्टिव करने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और अगर इसमें हम देखें कि जो प्रॉपर मॉनिटरिंग, फोकस मॉनिटरिंग जो प्रदेश के अंदर हुई है, उसका परिणाम है कि जो पेंडेंसी थी, ये पेंडेंसी एक दिन की नहीं थी, एक वर्ष की नहीं थी, ये वर्षों वर्षों से पड़ी हुई थी।
महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थे, उस पेंडिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान और इन मामलों को अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय, ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है और इसमें देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर यूपी का स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान है। लगभग हमारे 98% से अधिक मामलों का निस्तारण करने में उत्तर प्रदेश आज देश का वह पहला स्थान रखता है। और मैंने जो पहले भी कहा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा उन्हें उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है और हर थाने में जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ाती है, बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी, लेकिन 17 से लेकर के 22-23 तक जो भर्तियां हुई इन भर्तियों में प्रदेश में 20,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष के अंदर हमने पुलिस महिलाओं को यहां पे भर्ती किया। पुलिस की भर्ती में उनकी 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था उन्हें प्राप्त हो सके, इसको अनिवार्य रूप से प्रदेश के अंदर लागू किया। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी की बटालियन के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया, लेकिन जो पुलिस कार्मिक महिलाएं भर्ती हुई थी वे केवल एक कांस्टेबल के रूप में ऑफिस के कार्य को या थाने तक ही अपने को सीमित न रखे, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ शासन की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रतिभा का लाभ समाज ले सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक महिला बीट स्टेशन स्थापित किए गए, महिला पिंक बूथ की स्थापना की गई और यह भी व्यवस्था लागू की गई कि ये महिला बीट पुलिस अधिकारी हर मिशन शक्ति के अंतर्गत वहां पर जाएंगी, वहां पर सप्ताह में एक बार जाकर के महिला संबंधी घरेलू हिंसा का हो या बाहर की सुरक्षा से जुड़े हुए कोई मुद्दे होंगे इन पे तो चर्चा करेंगे ही, इससे संबंधित समाधान भी निकालेंगे, लेकिन इसके अलावा महिलाओं से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो भी, या उनकी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित या उनके स्वावलंबन से संबंधित कौन सी स्कीम केंद्र या राज्य सरकार की है, इनसे भी गांव की महिलाओं को अवगत कराएंगे। और ये मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लगातार ये जारी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। ये सरकार
महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले सोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और ये यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे, ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है, हर बेटी को भी हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या दो, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कुल कितने घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते हैं कोर्ट से उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर दें कुल कितनी घटनाएं घटित हुई। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामले में 181 की सेवा है, घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पॉन्स टीम 112, इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बनाकर के इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, यह महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे 21 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1,713 को आजीवन कारावास,
4653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो अपराध जिन अपराधियों की सजा दिलाई गई है, इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि एक महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वह देश के अंदर नंबर एक पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। प्रश्न संख्या 2, श्री अनिल प्रधान, कोई डिबेट नहीं हो रही, होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछ लिया। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका, पिछले 3 माननीय सदस्य हैं इसीलिए सीधा प्रश्न पर आइए क्योंकि तीनों सदस्यों को अवसर दिया जाए। सर, चूंकि जो नमाम गंगे का आप पूछो, आज पूरे प्रदेश में सर हर घर नल योजना का जो कार्य संपादित है प्रदेश सरकार द्वारा, पूरे गांव की जो सड़कें, चाहे वो लोहिया गांव के द्वारा बनाई गई हो, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत बनाई गई हो, मेडकर गांव के तहत बनाई गई, विधायक सांसद ने बना, किसी भी योजना के तहत बनाई गई हो, पूरे गांव के, पूरे उत्तर प्रदेश की गांव गलियों को खोदने का काम नमामि गंगे की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया गया है। अब जो सरकार कह रही है कि हम जनता को निःशुल्क पानी देने का काम करेंगे, तो इससे संबंधित मेरे 2-3 विषय हैं सर, उनके आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जवाब चाहूंगा कि जो आपने जो हमारे प्रश्न के जवाब में आपने जो जवाब दिया है कि 2024 तक पानी आप दे देंगे दिसंबर तक, अब वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो आने वाला समय बताएगा। मेरा जो पहला अनुपूरक है कि माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि आपके विभाग द्वारा जो सड़कें खोदी गई हैं क्या उन्हें पुनः उसी तरह बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और अगर आप बनाएंगे तो क्या उसकी समय सीमा कोई निर्धारित है कि अगर आपने 2020 में खोदा है तो 24 में बनेगी कि 27 में बनेगी कि 26 में बनेगी, पहले तो मेरा अनुपूरक ये है कि उसके लिए कोई समय सीमा है कि नहीं है। दूसरा जो मानवार अनुपूरक है आपके माध्यम से कि जनता को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की बात आपने कही है, तो मेरा ये पूछना है कि क्या जो आप पानी देने जा रहे हैं दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे तो समय बताया गया, पर जो आपकी योजना है क्या जो पानी देंगे तो वो निःशुल्क देंगे कि उसका पैसा लेंगे, क्योंकि ऐसे ही विद्युतीकरण के नाम पर फ्री मीटर दिए गए, फ्री कनेक्शन दिए गए, पता चला बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची और विद्युत बिल आ रहे हैं। एक मेरा आखिरी मानव आपके माध्यम से है, आपकी हिम्मत से, कि मेरा एक व्यक्तिगत इन्हीं के विभाग का है कि हमारे जनपद चित्तूर में एक रसीन बांध है, रसीन बांध से बरुआ बांध पंप कैनाल की कार्य योजना प्रस्तावित है और मेरे विधायक बनने के बाद ही उसमें काफी हुआ, मैं वो लिख के दे दो, उसका उत्तर अभी नहीं होगा पर्टिकुलरली उसके लिए पूछा नहीं गया। दो ही अनुपूरक है कि आप देंगे तो कब तक देंगे, जो रोल खोद रहे हैं उसको आप कब तक बनाएंगे। पूछ लीजिएगा क्योंकि अभी पर्टिकुलरली आपने उस रोल के बारे में नहीं पूछा था, वो मंत्री जी बाद में बता देंगे। श्री मोहम्मद फहीम इरफान, बहुत शुक्रिया मुझे पूरा पूछने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आपकी सेहत की कामना करता हूं, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो योजना चल रही है उस योजना में माननीय मंत्री जी सबसे पहले नल की व्यवस्था होती थी, नल से क्योंकि लोगों को पानी मिल जाता था और लोगों को उस व्यवस्था में काफी आसानी हो जाती थी, तो पहले तो नल की व्यवस्था पूरी तरीके से बंद कर दी गई और उस नई व्यवस्था को चालू नहीं किया गया, तो ना तो नल से पानी मिला लोगों को और ना ही जो नमामि गंगे का प्रस्ताव जो चल रहा है या जो काम चल रहा है उससे जल मिल पाया लोगों को, तो सबसे बड़ी परेशानी तो लोगों को ये सामना करना पड़ा। तो मैम, इंडिया हैंडपंप बंद होने के बाद जो शुद्ध पेयजल से वंचित प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी दूषित पानी पीने पर मजबूर है। इसी क्रम में माननीय विधायक जी ने जो अभी कहा, यह बहुत गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, वाकई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, ये बड़ा गंभीर विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी, कि जो ठेकेदार काम करने वाला है
वो काम तो कर देता है, लेकिन क्योंकि बड़ी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, सरकार ने भी बनाई है, हम विधायक लोग भी बनवाते हैं, तो ठेकेदार उनको तोड़कर चले जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उन सड़कों को ठीक नहीं करते। और हमने काफी बार लिखकर भी दिया, कोशिश भी की, डीएम साहब से भी कहा, तो मैं मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि हर घर जल योजना कब शुरू की गई थी, अब तक इसमें कितने प्रतिशत काम हो चुका है, इस योजना के अंतर्गत बिछाई जा रही पाइपलाइन का साइज भारत सरकार के CPHPO मैनुअल के अनुसार कितना है, और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इस योजना में प्रति व्यक्ति कितने पानी आयतन को आधार मानकर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। श्रीमती आराध्या शामोना, आपने मुझे विषय पर पूरा पूछने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार आपका। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रदेश की नहीं देश की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना, सरकार ने, भारत सरकार ने इसको ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया, कहा कि हम हर गांव में मजरे तक। तो आप विधानसभा की कार्यवाही सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।